हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का एन आई एस ट्वेल्थ पेंटिंग का सोल टी एम ये आप लोगों का अप्रैल 2023 का सोल्ट टी एम है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर सिक्स तक के पूरे सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पिक्चर्स भी मिलेंगी जिनका आप लोग स्क्रीन लेकर अपने जो टी एम हैं उनको और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस टी को इसी तरीके से किया जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रही हूँ तो आई एम श्योर कि आप लोगों के ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स आने वाले हैं आप लोगों का ये जो टी है ये बहुत ही ज्यादा जेनुइन तरीके से सॉल्व किया गया है पूरे क्वेश्चंस आप लोगों की बुक से लिए गए हैं और जो पिक्चर्स हैं वो आप लोगों के टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड हैं जो पिक्चर्स आप लोगों की बुक में हैं उन्हीं पिक्चर्स को यहाँ पे क्लियरिटी के साथ आप लोगों को मैं मेंशन करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी अपना अप्रैल टू के लिए पेंटिंग का टी प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप करें चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रंट पेज पर सब्जेक्ट का नाम मैंशन करना है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का डी प्रिपेयर कर रहे हो हिंदी का इंग्लिश ज का या फिर पेंटिंग होम साइंस डाटा एंट्री किसी का भी ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट नेम मैंशन करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर उसका कोड मैंशन करना है ठीक है कोड के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट ताकि चेकर को ये पता लग सके कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनाया है या फिर प्रैक्टिकल बनाया है तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये यह शो करना ज़रूरी है कि हम लोगों ने टीए में बनाया है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट फिर उसके बाद आप लोगों को अपना जो टी एम है वो लिखना स्टार्ट करना है तो फ्रेंड्स जो आप लोगों के क्वेश्चंस को लिखने की स्टार्टिंग करनी है वो डायरेक्टली आप लोगों को ए बी से नहीं करनी है उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन डालकर उसमें जो हैडिंग दे रखी होती है आप लोगों के टीएमए के क्वेश्चन पेपर में उस हेडिंग को यहाँ पे मेंशन करना होता है जिसमें कि दे रखा होता है कि दोनों ऑप्शन में से आप लोगों को कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है और उसका आंसर आप लोगों को फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड में देना है ठीक है तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को मैंशन करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम लोगों ने ए क्वेश्चन या बी क्वेश्चन क्यों चूज़ किया है ताकि जो टी एम ए है वो अच्छे से टीचर को समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर पाए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन में मैंने यहाँ पे ए पार्ट चूज़ किया है यहाँ पर आप लोगों को दो आर्किटेक्चर के बीच का डिफरेंस बताना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुतुब मीनार और गोले गुम्बद के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों को मैनेज करते हुए अपने आंसर्स को लिखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें जितने भी डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस तरीके से पॉइंट वाइज और टेबल बनाकर यहाँ पर अपने डायरेक्ट तो हाँ कर कर भी अटैच कर सकते हैं आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ये गोली गुम्बद की पिक्चर है ठीक है और ये है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर वन का पूरा आंसर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन में आप लोगों के यहाँ पे चार पॉइंट्स को मैंने लिखा है क्योंकि उसमें चार पॉइंट मांगे गए थे आपके डिफ्रेंशिएट करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना टी एम ए प्रिपेयर करना है तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फ्रेंड्स वाकई के भी जो टी एम ए हैं उन्हें मैंने रेडी कर लिया है बहुत ही जल्दी आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के टी एम ए की वीडियोज़ यहाँ पर चैनल पर आने वाली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और आप लोग अपने जेन्युइन टी एम ए यहाँ से प्रिपेयर कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का अपना टीएमए चाहिए तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को मीडियम के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के जो सब्जेक्ट की वीडियो है वो जल्द से जल्द अपलोड हो सके इस पिक्चर को आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पेस्ट करना है जहांगीर होल्डिंग पिक्चर ऑफ मैडोना ठीक है तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं बहुत ही क्लियरटी में यहाँ पे मैंने इन पिक्चर्स को लिया है ताकि आप लोग इजीली इनका प्रिंट आउट निकलवा कर और अपनी पीडीएफ में ऐड कर सकें तो फ्रेंड्स आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बढ़ते हैं आपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री तो फ्रेंड्स ये इस वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पूरा आंसर है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उससे पहले इस वाले पेज के पीछे ये क्वेश्चन नंबर थ्री के फिगर्स हैं ठीक है आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पूरा आंसर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीन ले सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पे पूछा गया है मुगल एम्पर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स ऑफ बर्ड्स चूज फोर वर्ड्स फ्रॉम मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स एंड कॉपी इट ऑन एंड ए फोर साइज शीट कार्टीज पेपर ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पिक्चर पेस्ट करनी थी लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्वेश्चन में दे भी रखा है कि फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड में आंसर देना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मुगल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा है तो आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के और भी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे ठीक है तो आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर फोर है फिर आप लोगों का यहाँ पे आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों के तंजोर आर्ट्स के बारे में पूछा गया है तंजौर आर्ट्स जो होती हैं वो दूसरी पेंटिंग स्टाइल से कैसे अलग होती हैं तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए एंड ये जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये आप लोगों के बुक से प्रिपेयर किए गए हैं तो आप लोग इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं और अपना टी में आप लोग अगर इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों के ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स आने वाले हैं आप लोग ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप लोग इसी तरीके से नीट एंड क्लीन और मैनेज करते हुए पिक्चर्स को पेस्ट करते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बाकी फ्रेंड्स ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की पिक्चर्स हैं जो आप लोगों के पेज नंबर फोर्थ के पीछे लगेंगी ठीक है तो आप लोग इसका भी स्क्रीन ले लीजिए यहाँ पर आप लोगों के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के कुछ पिक्चर्स हैं जैसे कि कुतुब मीनार गोले गुम्बद लाल किला हुमायूं टॉम्प ताजमहल सफदरगंज टॉम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आप लोगों का इसमें भी आप लोगों के डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी बस खाली आप लोगों को छह सात पिक्चर यहाँ पे चिपकानी थी लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि आंसर आप लोगों का और भी ज्यादा इफेक्टिव लगे ठीक है तो आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी पार्ट मैंने यहाँ पे चूज़ किया है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे बोला गया है ऑब्जर्व केयरफुली द पिक्चर फैकोन ऑन अ बर्ड रेस्ट दिस इज़ अ सुपर एग्जाम्पल ऑफ उस्ताद मंसूर वर्क जस्टिफाई इन योर ओन वर्ड्स ठीक है तो यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपकी पेंटिंग की बुक में भी है आप लोग चाहें तो इसे हाँ से भी कर सकते हैं और वहीं से मैंने ये आंसर भी लिखा है तो आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए और इसी तरीके से आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन देना है और उसके साथ साथ फिर आप लोगों को यहाँ पर इसकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है फैकॉन बर्ड्स की ठीक है तो आप लोग यहाँ पे इसकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फैकॉन ओना बर्ड रेस्ट एंड इसका जो पूरा आंसर है वो यहाँ तक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों का पूरा पेंटिंग का सोल है जहां पर कि हम लोगों ने आपके क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर सिक्स तक के पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा है तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए और फ्रेंड्स चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब कर कर ताकि आप लोगों को ऐसी ही यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और आप लोग अपने एग्जाम की अपने टीएमए की और प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से यहां से कर पाए और नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट का सोल्व टी एम चाहिए इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो